हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इसमें आपको लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने एक फैब्रिक लिया है और उसके बाद एक पेस्टिंग पेपर वाली, जो पेस्टिंग वाली बुकरम आती है, वो मैंने सर्कल में कट करके ये लगानी है। जो बुकरम की पेस्टिंग वाली साइड है वो मैंने नीचे रखनी है, क्योंकि वो अब हमने इसके ऊपर क्योंकि प्रेस करना है, ये वाला पार्ट हमने नीचे रखना है। तो फैब्रिक को पहले रख के उसके बाद पेस्टिंग वाली साइड को ऊपर रख लेना है। उसके ऊपर से हमने फिर ये प्रेस से अच्छे से उसको पेस्ट कर लेना है, पेस्टिंग वाली बुकरम के साथ। इसे अच्छे से प्रेस करने के बाद ये ऐसे लगेगा। और ये इसकी हमने बिल्कुल साइड्स को अच्छे से प्रॉपरली कट कर लेना है, मतलब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सारा निकाल लेना है इसकी साइड से। अब इसके सेंटर में हमने जहाँ से कंपास रखी थी बुकरम को कट करने के लिए, वहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बना लेना है और सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है साइड पर, उसको कट कर लेना है अच्छे से। तो ये ऐसे पार्ट्स हो जाएंगे इसके, मतलब सेंटर से हमने कट कर लिया और सर्कल को कट कर लेना है। इस ड्रेस में मैं सिर्फ आपको स्टोन्स के साथ ही ये ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स अलग तरह के होंगे, इसमें सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी कि हम कैसे अलग अलग तरह के स्टोन्स यूज़ करके ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप इसमें कोई भी किसी भी तरह के स्टोन्स लगा सकते हैं। तो मैंने वाइट स्टोन्स के साथ, जो पर्ल्स की तरह हाफ से लगते हैं, उसके साथ मैंने एक साइड कंप्लीट की है, ये बिल्कुल आउटर कवरिंग लगा ली। और उसके अंदर अब मैं ये छोटे वाले स्टोन्स लगाऊंगी। गाइज, इसको आप मैचस्टिक की हेल्प से अच्छे से लगा सकते हो, इससे आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और ये जल्दी जल्दी लग जाते हैं, नहीं तो हैंड के साथ ये बहुत मुश्किल लगते हैं लगाने। यहाँ पर अब मैं दूसरे तरह के ये स्टोन्स लगा रही हूँ, ये थोड़े अलग से तरह के, जैसे पैच होते हैं ना, ये वो वाले स्टोन्स हैं। और आप कोई भी किसी भी तरह के लगा सकते हो, आपके पास जैसे भी हो अवेलेबल, बस आप कोई भी पैटर्न सोच लो पहले और अपनी मर्जी से आप उसको बना सकते हो। अब जैसे मैंने 3 लेयर्स बना ली, अब इसके बाद मैं एक और लाइन यही वाली सेकेंड लाइन की तरह सेम लगा दूँगी, और उसके बाद लास्ट वाली लाइन भी सेम वाइट की ही मैं बना दूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ा था, तो यहाँ पर मैंने लास्ट पर लगाना है ये वाला स्टोन। ये आधा बाहर रहेगा और आधा ये उसके ऊपर ही लगेगा ये वाला स्टोन, ये आप ध्यान से लगा लें। अब इसे ड्राई होने के लिए रख दो थोड़ी देर के लिए, ताकि इसकी अच्छे से फेविकोल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए और अच्छे से वो सूख जाए। अब यहाँ पर मैंने जो बताया कि मैं वाइट स्टोन ही लगाऊंगी, तो बस ये लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ अब लेस लगाएंगे। We'll be right back.
अब आप कोई भी किसी भी कलर की जैसी मर्जी मैचिंग जो लेस होती है वो ले लो। जैसे कि हमारे जो लड्डू गोपाल है उनका साइज़ बहुत छोटा है, तो मैंने छोटी सी ही ये स्ट्रिप्स कट कर लेनी है दोनों इक्वल साइज़ की। तो मैंने ऐसे एक लेस की स्ट्रिप्स कट कर लेनी है दो। तो इस तरह से दो इक्वल साइज़ की आप स्ट्रिप्स कट कर लो। स्ट्रिप्स को कट करने के बाद ये फेविकोल के साथ नहीं लगेगी क्योंकि ये बार बार उखड़ने का डर होता है, तो मैंने ये फेविक्विक के साथ इनको अटैच कर लिया। एक हमने इस साइड से लगानी है नीचे को करके और एक हमने दूसरी साइड से ये दोनों को क्रॉस बना के दोनों लेस को लगा लेना है। ये मैं आपको बैक साइड से दिखा देती हूँ कैसे लगा। तो ये चीज़ हमने क्रॉस बनाकर ये लगानी है, मतलब एक साइड से उधर से लगा देना है ये अटैच कर देना है और एक इधर वाली साइड से अटैच कर लेना है। सेंटर से हमें ये नीचे वाली साइड को ये ओपन छोड़ देना ताकि ये ऊपर से बाहर को आ जाए। अब दूसरी वाली स्ट्रिप भी इसी तरह से लगा लेनी है फेविक्विक की हेल्प से, और वो भी क्रॉस वाली डायरेक्शन जैसे क्रॉस बनाते वैसे ही लगानी है। इसको भी ऐसे ही पेस्ट कर लेना है। अब थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर से भी हम फेविक्विक लगा देंगे क्योंकि इसके थ्रेड्स जो हैं वो निकलने का डर होता है, तो वो इसके साथ ही अटैच रहेंगे, तो इसको ऊपर से लगा लेंगे। अब इसकी फ्रंट साइड से हमने ये दोनों जो क्रॉस बनाए थे लेस के साथ उसको बाहर निकाल लेना है। ये ध्यान से गाइज इसको अटैच करना, ये पुट्ठा नहीं मतलब लगना चाहिए। तो ये जो हमने बाहर निकाल लेना है इसको, तो ये हमारी चोली सी बन जाएगी। ये देखने में बहुत छोटी लग रही है पर हमारे लड्डू गोपाल का साइज़ बहुत छोटा है, तो ये उनको बिल्कुल सही आएगा। देखने में ये बहुत छोटी लग रही है। तो गाइज ये है बिल्कुल फाइनल लुक। तो ये डालो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप कोई भी कलर का फैब्रिक लेके स्टोन्स के साथ ही अच्छे से आप बना सकते हो। तो जन्माष्टमी आ रही है तो आप भी घर पर ये ज़रूर ट्राई करो और मुझे बताओ कि कैसी बनी ड्रेस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।